हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। आज की वीडियो काफ़ी एक कॉमन टॉपिक के ऊपर है, जो कि कार ओनर जैसे कि i10 और i20 मोस्टली ये कार ओनर्स फेस करते हैं ये प्रॉब्लम। तो उस टॉपिक के ऊपर है, जो कि है हमारा एयर डायरेक्शन फ्लो का जो स्विच होता है वो टूट जाता है। वो टूट इसलिए जाता है, इस प्रॉब्लम पर हम बात करते हैं पहले, क्योंकि उसको हम यूज़ साल में मुश्किल से एक या दो बार यूज़ करते हैं, वो भी सीजनल टाइम पे। मींस आप रेनी सीज़न में हैं तो आप उसको स्विच को यूज़ करेंगे अपने फ्रंट ग्लास की तरफ एयर फ्लो को करने के लिए, ताकि आपका जो अंदर फॉग है वो ना जमे डिफॉगिंग के लिए। एंड सेकेंड टाइम पे हम यूज़ करते हैं अपना विंटर्स में, तो जो हम ये स्विच करते हैं विंटर में यूज़, तो वो भी इतना ज़्यादा टाइम के लिए बार बार यूज़ नहीं करते, उसको सिर्फ एक डायरेक्शन पर सेट कर देते हैं एंड एक दो महीना के लिए वो सेम विंडशील्ड डिफॉगिंग मोड पर ही रहती है, उस डायरेक्शन पर ही रहती है। तो इस वजह से क्या होता है कि उसको रोज़ रोज़ यूज़ ना करने की वजह से वो हमारा जो मैकेनिज़म है वायर के थ्रू जाता है वो, तो वो हमारा जाम हो जाता है। तो उसको किस तरीके से हम इंस्टेंटली अभी उस सॉल्यूशन से छुटकारा पा सकते हैं, उसका इंस्टेंट सॉल्यूशन क्या है, मैं अभी आपके साथ में वो शेयर करूँगा। इसको किस तरीके से ठीक करना है या कैसे चेंज करना है वो नहीं, एंड इस सॉल्यूशन के लिए हमें मुश्किल से मुश्किल 10 से 20 रुपये खर्च करने पड़ेंगे, एंड वो भी आपको दिखाता हूँ अभी। सो ये देखिए गाइस, मेरा जो ये वाला स्विच है ये किसी काम का नहीं है, ये देखिए टूटा हुआ है। एंड अभी आपको पास से भी दिखाता हूँ, ये देखिए ये टूटा हुआ है। एंड जो इसकी डायरेक्शन है मैं दिखाता हूँ, मैंने अभी किधर की हुई है, ये देखिए इधर मैंने ही है। एंड इधर दिखाता हूँ आपको, यहाँ देखिए ये डायरेक्शन हमारी डिफॉगिंग मोड पे है। इधर में नहीं है, तो इस डायरेक्शन को हमें किस तरीके से चेंज करना है वो आपको दिखाता हूँ अभी मैं। ये तो टूट चुका है एंड इस टाइम पे ये अभी किसी काम का नहीं है, तो इसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं इस ट्वीज़र का। ये देखिए इस ट्वीज़र को आपको पास से दिखाता हूँ, इधर में दो आपको छेद दिख रहे हैं, ये देखिए इस ट्वीज़र को आपको इन दोनों छेद के अंदर में जो ये होल टूटा हुआ इसमें डाल करके इसकी डायरेक्शन को आप टर्न कर सकते हैं। मैंने घुमा दी, अब डायरेक्शन देखिए आप, ये देखिए नहीं रुक रही, एंड जो हमारी यहाँ पे डायरेक्शन थी वो अब स्टिल है, नहीं है। एंड यहाँ पे देखिए आप, तो ये आपको दिखाया मैंने इंस्टेंट सॉल्यूशन, ये देखिए डायरेक्शन हमारी यहाँ से चेंज होकर के हमारे डिफॉगिंग मोड पर जा चुकी है, जिससे कि हमारे अंदर फ्रंट विंडशील्ड के ऊपर में फॉगिंग ना हो। तो उसका इंस्टेंट सॉल्यूशन अभी के लिए तो सिर्फ ये है, एंड ये ठीक भी है बिकॉज जो ये मेन पार्ट है इसका ये अलग से मिलना बहुत मुश्किल है, एंड इसका पूरा पैनल चेंज होता है जो कि काफ़ी कॉस्टली है एंड ईजिली आपको मिलता भी नहीं है। तो बेटर होगा कि आप ये 10 से 20 रुपये का ट्वीज़र लें, एंड इसको जब डायरेक्शन आपको चेंज करनी हो मेनली आप इस डायरेक्शन पर रखते होंगे समर में, एंड जब आपका विंटर आता होगा आप इसको इस डायरेक्शन में करके छोड़ दीजिए, एंड इसके बाद इसको निकाल लीजिए। जो आपका स्विच टूटा हुआ था इसको आप इस तरीके से वापस लगा दीजिए, सिंपल। सो अभी आप लोगों ने देखा कि किस तरह से हम सिर्फ एक ट्वीज़र या चिमटी जो भी से आप बोलते हैं मार्केट से 10 से 20 रुपये में ला सकते हैं, एंड ध्यान दीजिएगा कि जो आगे की टिप है ज़्यादा ब्रॉड ना हो, नैरो हो। तो आप इसकी हेल्प से अपने एयर डायरेक्शन जो स्विच होता है उसके फ्लो को कंट्रोल कर सकते हैं, किस डायरेक्शन में आपको रखना है, एंड ये इंस्टेंट सॉल्यूशन है। तो अभी आप विंटर जैसे चल रहे हैं तो अभी भी हो सकता है काफ़ी लोगों को डिफॉगिंग की प्रॉब्लम हो, अगर वो अपने साइड के ग्लासेस को फुल ऊपर करके चलाते हैं तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं। एंड बाकी रहा कि इस पैनल को चेंज करना वो काफ़ी कॉस्टली होता है एंड वो ईज़िली अवेलेबल नहीं होगा, आपको उसके लिए वेट भी करना पड़ेगा। एंड इसका रीज़न कुछ नहीं है, बस रीज़न यही है कि ये जो ख़राब होता है वो इस वजह से होता है बिकॉज इसको हम फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं करते हैं। तो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड ये इंस्टेंट सॉल्यूशन आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली किसी वीडियो में, एंड हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि जो लोग इस प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं वो बहुत ही कम खर्चे में इसका सॉल्यूशन ढूंढ सकें। तो मिलते हैं आपसे अपनी अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।